Friends, let us discuss never fail strategy of CS professional advanced tax laws and practice paper. और इस पेपर में मैं आपको फेल नहीं होने दूंगा, तो मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, वो स्ट्रैटेजी को अगर आप अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो फेल नहीं होंगे और आप अच्छे नंबर लेके आएंगे. और देखिए वो स्ट्रैटेजी क्या है. आपको पता है कि दो पेपर हैं इसमें, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स 30 मार्क्स का, इनडायरेक्ट टैक्स 70 मार्क्स का. अगर दोनों के सिलेबस को आप कंपेयर करें, जो आपका सिलेबस आपका दिया हुआ है, तो मैं कहता हूं कि डायरेक्ट टैक्स का सिलेबस इतना है, इतना पढ़ना पड़ेगा, और इनडायरेक्ट टैक्स का इन कंपैरिजन तो छोटा है. तो आप 30 नंबर लाने के लिए क्या आपको इतना पढ़ना पड़ेगा? ये करीब करीब सीए फाइनल का उन्होंने सारा सिलेबस डाल दिया सीएस प्रोफेशनल में. तो आप इतना पढ़ेंगे, सीए फाइनल वाला इतना पढ़ के 100 नंबर लेके आते हैं, और सीएस प्रोफेशनल और सीएस इंस्टीट्यूट सोचता है कि हमारे स्टूडेंट्स इतना पढ़ के 30 नंबर लेके आएंगे. तो भैया इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है. वही स्ट्रेटजी है, आपको मैं कम पढ़ाऊंगा, इतना इतना मैं कहूंगा आप मत पढ़िए. ये अगर पूरा पढ़ने लगे तो ये करीब करीब 150 घंटे का सिलेबस है. आपको बाकी पेपर भी पास करने हैं, इनडायरेक्ट टैक्स भी अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि वो 70 नंबर का है. तो मैं कहता हूं कि ये पढ़ो ही मत, आप मत पढ़ो, आता ही नहीं एग्जाम में. मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा क्वेश्चन पेपर. मैं आपको सिर्फ इतना पढ़ाऊंगा, करीब करीब 20 घंटे से लेकर 25 घंटे तक का. और मैं आपको गारंटी देता हूं कि 20 से 25 मार्क्स आप हर हालत में इस पेपर में स्कोर कर सकते हैं, अगर आपने सही ढंग से लिखा तो. इनडायरेक्ट टैक्स कितने नंबर का? 70 नंबर का है. ये 70 नंबर में मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा. ये भी सीए फाइनल टाइप का कोर्स है, सीएमए फाइनल में सेम सिलेबस यही है, लेकिन सीए फाइनल और सीएमए फाइनल में वो 100 नंबर का है, हमारे यहां 70 नंबर का है. कोई बात नहीं, लेकिन सिलेबस सेम है, सिलेबस सेम है, ठीक है. तो आपको स्ट्रैटेजी ऐसी बनानी है कि ये आप इसमें कंसंट्रेट करें, और इसमें 70 नंबर में अगर आप अच्छी तरह से लिख पाए. मान लीजिए सबकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं होती है, किसी की थोड़ी सी कम, किसी की थोड़ी सी ज्यादा. इसको मैं अगर दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं और मैं कहता हूं 50 और 20, 50 मार्क्स की तैयारी आप ऐसे कीजिए, मैं आपको टॉपिक बता भी दूंगा. 50 नंबर का तैयारी ऐसे कीजिए कि आप 90% लेके आए, 45, इसमें 50 आ जाए, 50%, क्योंकि आपने कम पढ़ा है, तो 10 कितना आएगा, 55. तो आप इनडायरेक्ट टैक्स के बदौलत भी पास कर सकते हैं, और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स में तो आपको नंबर आएगा ही आएगा. मान लीजिए आपको 15 आता है प्लस 15, तो आपको कितना आ गया, 70. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल कर जाते हैं, डरते हैं कि दो दो अटेम्प्ट से नहीं निकला, तीन तीन अटेम्प्ट से नहीं निकला. क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट टैक्स को बहुत अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं मैं सब कुछ पढ़ूंगा. और वो कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं पता है? वो पिछले अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर देखते हैं, अरे डेप्रिसिएशन आया, अरे असेसमेंट ऑफ फर्म आया, अरे ये वाला क्वेश्चन आया, मुझे ये भी पढ़ना चाहिए. वो पागल हो जाते हैं और ऐसा लगता है पूरा डायरेक्ट टैक्स उठा के पढ़ जाते हैं. अरे चेस की दुनिया में कुछ प्यादों को मरना जरूरी है, तभी जीतते हैं आप. तो उसी स्ट्रेटजी को हम लोग फॉलो भी कर रहे हैं. अब मैं डायरेक्ट टैक्स में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाता हूं वो मैंने लिखा हुआ है. इंटरनेशनल टैक्सेशन, अब इंटरनेशनल टैक्सेशन भी बहुत बड़ा है, लेकिन इस इंटरनेशनल टैक्सेशन में ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है. हर साल हर अटेम्प्ट में इन तीन में से या तो तीनों आ जाएंगे, लेकिन दो तो आते ही आते हैं, कोई भी दो. और ये आपका 5 से 10 नंबर का होता है, 5 से 10 नंबर. अभी मैं पिछला अटेम्प्ट का भी क्वेश्चन जून 2018 का भी डिस्कस कर लूंगा आपके साथ, होगा ही होगा. तो आप कंसंट्रेट कीजिए इन इंटरनेशनल टैक्सेशन में. बाकी भी और चैप्टर्स हैं, जैसे पीएफआईसी, टैक्स हेवन, सीएफसी, कंट्रोल फॉरेन कॉर्पोरेशन, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, मैट का क्वेश्चन था, एएमटी, टैक्स प्लानिंग. और ये पूरा का पूरा हम 20 से 25 घंटे में पढ़ा रहे हैं आपको. 100 पेज की डीटी की बुक देंगे और एक फास्ट ट्रैक क्विक रिवीजन इनकम टैक्स दूंगा, क्योंकि ये हम लोग इसलिए देते हैं, इसको हम पढ़ाते नहीं है, लेकिन ये इंटर का है पूरा का पूरा, एग्जीक्यूटिव लेवल का. और ये एग्जीक्यूटिव लेवल का कुछ क्वेश्चंस इन्होंने पूछ लेते हैं कभी कभी. मैं आपको पहले किताब दिखलाता हूं. तो ये एडवांस टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस की बुक है. इसमें अगर मैं चैप्टर्स देखूं, मैं अलग से इसका वीडियो बना दूंगा, इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करते हैं. और ये किताब भी आप अलग से खरीद सकते हैं,
ऐसे स्पाइरल में मिलेगी आपको। इतने सारे हम लोग चैप्टर्स में पढ़ के मैं बता देता हूं अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो। इंटरनेशनल टैक्सेशन में डोमेस्टिक रेट ऑफ टैक्सेशन, रेजिडेंशियल स्टेटस, DTAA, एडवांस रूलिंग, प्रिजम्प्टिव बेसिस ऑफ टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट बाय NRI, इन्वेस्टमेंट बाय नॉन रेजिडेंट्स, इन्वेस्टमेंट बाय OFO, यानी कि जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट्स, बिजनेस कनेक्शन, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस, वोडाफोन का केस, ट्रांसफर प्राइसिंग, बस। फिर असेसमेंट ऑफ फर्म, कंपनीज, मैट, AMT, टाइप्स ऑफ कंपनीज, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर टैक्स प्लानिंग, एम्प्लॉयज रेम्यूनरेशन, टैक्स प्लानिंग PGBP, टैक्स प्लानिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीशन, फिर टैक्स इवेजन एवॉइडेंस, इस बार क्वेश्चन भी था मैं आपके साथ, और ये फास्ट ट्रैक क्विक रिविजन इनकम टैक्स, इसमें पूरा का पूरा एग्जीक्यूटिव लेवल का इनकम टैक्स डिस्कस किया हुआ है। इसमें से करीब करीब 5 नंबर का क्वेश्चन होगा ही होगा। मैं अगर इसको पढ़ाने जाऊं ना पूरा एग्जीक्यूटिव लेवल का, जो कभी कभी फाइनल में पूछ लेते हैं, तो 65 आवर्स का कोर्स है, कोई मतलब नहीं बनता। आप उसको दोबारा पढ़िए एग्जीक्यूटिव लेवल का, आप सिर्फ इस किताब को थोड़ा सा रिवीजन कर जाएंगे तो भी हो जाएगा। और सर मुझे इसका वीडियो देखना तो YouTube में अवेलेबल है, फ्री में आप देखिए, मैं अभी डिस्कस करता हूं आपसे पेपर। ये CS प्रोफेशनल का प्रिंट आउट निकाला है हमने, DT का और IDT का। तो DT का 30 नंबर का क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। देखिए इसमें लिखा हुआ पहला क्वेश्चन, स्टेट द पीरियड ऑफ होल्डिंग फॉर कंसिडरिंग द शेयर्स इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टू बी ट्रीटेड एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का पीरियड ऑफ होल्डिंग शेयर्स का 2 साल कर दिया गया। तो ये हम लोग पढ़ा नहीं रहे हैं इसमें, ये फास्ट ट्रैक क्विक रिविजन इनकम टैक्स के बुक में, यहां ये लिखा हुआ एग्जीक्यूटिव लेवल का है। इसके बाद डिप्रिसिएशन का इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कीजिए, इसमें मिलेगा आपको, मिलेगा। दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप बाकी पेपर में कंसंट्रेट कीजिए, GST में कंसंट्रेट कीजिए, कस्टम्स में कंसंट्रेट कीजिए, उसको याद करने की कोशिश कीजिए। आप महारत हासिल करते DT में, जो CS इंस्टीट्यूट भी इसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, आप इंपॉर्टेंस देना चाह रहे हैं, क्या मतलब बनता है। इसके बाद इन्होंने एक 150 नोट डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी का, जो हम पर 10 लाख रुपए से ऊपर का टैक्स, 10 लाख रुपए से ऊपर का जितना भी टैक्स है वो लगता है 10%, तो 13 लाख मिला, 10 लाख एग्जम, 10 लाख नहीं लगे, एग्जम नहीं है, याद रखिएगा, 3 लाख पे 10% कैलकुलेट कर लीजिए। ये फाइनल लेवल का है, ये इसमें नहीं है। इसके बाद इन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा, स्टेट विद ब्रीफ रीजन वेदर फॉलोइंग रिलेट टू टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन। ये फाइनल लेवल में हमने इसका डिफरेंस आपके साथ डिस्कस किया हुआ है यहां पर इसमें। अब आप ही बताना, पहला, सेटिंग अप ऑफ ए लाइजन ऑफिस इन इंडिया बाय अ फॉरेन कंपनी इंस्टेड ऑफ ए फुल फ्लेज एस्टैब्लिश्ड टू रन इट्स बिजनेस एक्टिविटीज इन इंडिया। अब बताइए, बिजनेस एक्टिविटीज फुल फ्लेज रन करेगा और वो लाइजन ऑफिस सेटअप कर देगा और लाइजन ऑफिस के थ्रू ये सारा करेगा। तो हमने एक रोल्स रॉयस का भी केस डिस्कस किया हुआ है, जहां पर ये इसको हम लोग सीधे के सीधे टैक्स इवेजन मानेंगे, क्योंकि यहां बिजनेस कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होगा, लेकिन वो बिजनेस कनेक्शन, क्योंकि वो फुल फ्लेज एक्टिविटी करेगा, बिजनेस एक्टिविटीज थ्रू लाइजन ऑफिस, तब तो ये गलत कर रहा है, इट इज ए टैक्स इवेजन का केस। तो ऐसे ही केस है दूसरा तीसरा, तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे जब मैं आपके साथ ये CS प्रोफेशनल DT का पेपर में अलग से इसका वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इसके बाद मैट का क्वेश्चन है, हमने किया है फाइनल लेवल का। फिर जो क्वेश्चन है उसमें एडवांस रूलिंग का क्वेश्चन है, DTAA का इस बार क्वेश्चन पूछा नहीं है, तो अगले अटेम्प्ट में पूछ लेंगे, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये DT सिर्फ इतना पढ़िए जितना मैं दे रहा हूं, मैं आपको वादा करता हूं 20 से 25 नंबर कहीं नहीं गया आपका, अगर आपने ढंग से लिखा, अच्छी तरह से लिखा। लेकिन आप 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कर पाएंगे, ऑब्वियसली 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, लकी हुए तो कर पाएंगे। तो आप 5 से 10 नंबर को अटेम्प्ट करने के लिए तो आपको फिर और 100 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके पॉसिबल है। तो इसके ये गलती आप मत कीजिएगा, ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग CGST एक्ट, CGST रूल्स, IGST एक्ट, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, सब कुछ पढ़ा देंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। कस्टम्स एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये 70 से 80 घंटे का, ये 20 से 25, इसको मैं तो कहता हूं कि आप अच्छी तरह से पढ़िए, अच्छी तरह से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यही आपका आने वाले समय में करियर भी बनाएगा। मुझे याद है कि हमने अभी तक मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैंने बहुतों से पूछा है कि आप क्या कर रहे हो, वो सारे के सारे, मेजोरिटी ऑफ देम आर इन टैक्स लाइन। तो मुझे लगता है कि आई एम एबल टू मोटिवेट यू टू मेक द टैक्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और मैं आपके दिमाग, दिलो दिमाग में टैक्स डाल देता हूं, शायद इसीलिए ऐसा है। मैं आपको किताबें दिखला देता हूं, ये GST वॉल्यूम 1 है, ये 235 पेजेस की है, ये GST वॉल्यूम 2 है जो 380 पेजेस, तो 615 पेज में ये सब कुछ है,
सब कुछ है, प्लस आपको एक पेन ड्राइव मिलेगी 32 GB की, 32 GB की, जिसमें करीब करीब 25 GB के आसपास का डेटा होगा, जिसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होगा, ठीक है। तो ये सेल के लिए अवेलेबल है, आपको YouTube में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।